हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आपके वेस्ट के पाइप, आपके रेन वाटर के पाइप, आपके सॉइल के पाइप, आपके जो मेन पाइप पड़ता है एक मेन होल से दूसरे मेन होल में, और जो आपके सीवर लाइन में सीधे पाइप जाता है उस पाइप की के डायमीटर कितना होना चाहिए या फिर उसका साइज कितना होना चाहिए, कौन सा पाइप आपको लेना है, कितने साइज का लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं कि जैसे आपका जो वेस्ट का पाइप होता है, जैसे तीन पाइप आपको जो दिख रहे हैं इसमें से एक पाइप होता है रेन वाटर का, एक पाइप है वेस्ट का पाइप है जो आप पानी नहाते हैं धोते हैं वो पानी निकलेगा, और एक से क्या है आपका सॉइल का। सॉइल का मतलब कि जो आपके WC जो नंबर एक नंबर दो आप करते हैं उसका पानी इससे निकलेगा, उसका मटेरियल इससे निकलेगा। तो तीनों पाइप देखो एक साथ हैं, सिंपल से बहुत आराम से बन जाएंगे आप। अब इन पाइपों के साइज कितने लेने चाहिए, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, काफ़ी लोग प्लम्बर ऐसे होते हैं तीन तीन इंच का पाइप ले रहते हैं। देखो, आपको चाहे रेन वाटर का पाइप हो, चाहे सॉइल का पाइप हो, चाहे वेस्ट का पाइप हो, सब पाइप आपको 4 इंची के ही लेने हैं, ठीक है। इससे कम मत लीजिएगा आप कभी को। आइए देखो, रेन वाटर में तो बिल्कुल मत लीजिएगा आप, वेस्ट में अगर आपके बजट कम है, ये मैं खाली प्रॉपर उन्हीं लोगों के बोल रहा हूँ जिनका बजट बहुत ही कम है, खाली घर बनवा के बस रहना है किसी तरह, तो आप थोड़ा बहुत पतला पाइप आप 3 इंच का यूज कर लें खाली उनके लिए, सबके लिए नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। तो 4 इंच तो है ही, 4 इंच लेके चलना है अगर आपको ढंग से बनवाना है चीज। आते हैं फिर उसके बाद जो मेन पाइप होता है आपके जो फर्श के अंदर डलता है, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है यहाँ पे एक पीछे वाले मेन होल से आगे मेन होल में पाइप जाना है, ये प्लिंथ बीम के नीचे से होते हुए पाइप आएगा। तो यहाँ पे जो पाइप पड़ेगा वो कितने इंच का होना चाहिए, मोस्टली लोग नॉर्मल घरों में क्या करते हैं कि एक मेन होल से दूसरे मेन होल की डिस्टेंस मान लिया 20 फीट है या 30 फीट है, फर्श की मैं बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की नहीं, फर्श की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मेन होल की बात हो रही है, एक मेन होल ये है, एक मेन होल ये है, इस मेन होल से इस मेन होल के बीच दूरी कितनी है, 20 फीट या 30 फीट या 40 फीट है या फिर 50 फीट मान लीजिए। तो इसके बीच में पाइप कौन सा फर्श के अंदर होना चाहिए, काफ़ी लोग 4 इंच की पाइप ही डाल देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपको कम से कम जो पाइप होगा वो 6 इंच का ही डालना है, PVC पाइप 6 इंच का पाइप होगा। अब इसमें काफ़ी लोग 6 इंच पाइप यूज है, देखिए इन फ्यूचर कभी ना कभी आपके मान लिया बाथरूम ज़्यादा है और कभी इनकेस कोई मैनुअल जाम हो गया या फिर कुछ दिक्कत आ गई, तो ये कंडीशन कभी ऐसी ना हो कि आपको फिर वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए पूरे घर की ऐसी ऐसी होती है उस टाइम। तो 6 इंच पाइप शुरुआत में डाल देंगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बैठती, 4 इंच और 6 इंच पाइप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है पैसे का, हाँ थोड़ा बहुत जरूर फर्क होता है, लेकिन एक बार अगर पड़ गया स्लोप अच्छे से बन गया तो जो पीछे पानी आया वो तुरंत ही आगे वाले मैनुअल में ट्रांसफर होता है और बीच में जाम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं 6 इंच पाइप में। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 6 इंच पाइप ही यूज करें अगर जो फर्श के अंदर पाइप आप डलवा रहे हैं, और जो भी आगे सीवर लाइन में जाएगा वो भी पाइप आपका 6 इंच का होना चाहिए, 4 इंच के पाइप से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। चलना हो तो चला तो सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने रिस्क पे है कि आप कभी इनकेस जाम हो गया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी लास्ट वर्डिंग है कि आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी कि आप बहुत परेशान हो जाओगे, और फिर जब जानते हो कि जब मेन होल ऐसे सबसे गंदा घर का एरिया मेन होल ही होता है, अब मेन होल खोल के सब मेन होल खोल दिए गए हैं, वहाँ कुछ जाम हो गया, पाइप सफाई हो रही है, पूरे घर में ऐसी तैसी हो जाती है, आप भी जानते हो चीज़ें, और कोई नहीं करना चाहता कि ऐसी कोई गंदगी हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि 6 इंच की पाइप फर्श के अंदर डाल दो, काम खत्म, ठीक। लोग डालें तो 9 इंच की पाइप भी डालते हैं, इससे मोटे मोटे पाइप डालते हैं, लेकिन 6 इंच सफिशियंट है, 6 इंच में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, अगर आपके घर में 5 से 10 लोग रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं कि आपके बाथरूम के अंदर पाइप कौन सा होना चाहिए। देखो, बाथरूम के अंदर सिंपल से आप जानते हो 1.5 इंच का पाइप चलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड होता है कि आपके घर की हाइट कितनी है, बाथरूम कितने हैं आपके घर के अंदर, तो वो टॉपिक थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, तो वो मैं कभी जब सीरीज वाइज जब भी आपके बाथरूम की वर्किंग होगी तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि आपके घर वो बाथरूम में जो आपकी सप्लाई होती है टंकी से खासकर, तो उस टाइम कौन से बाथरूम में, फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में कौन सा पाइप आपको यूज करना है, सेकंड फ्लोर के बाथरूम में कौन सा पाइप यूज करना है, ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में कितने मोटा पाइप आपको यूज करना है, तो मेन लाइन कितनी इंच की होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बात की हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी लोग कह रहे होंगे इस वीडियो में क्या है, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं खास, लेकिन स्टेप है, स्टेप वाइज वीडियो बननी है, तो भाई ये बनाना मुझे पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी लोग शायद जानते भी ना हो तो उनके लिए भाई वीडियो बनी ही बनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।